बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल में, हमारे साथ डीएसपी एम यूसुफ साहब मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आज हमारा यहाँ आने का मकसद है यहाँ सेंट्रल जेल में दो चीज़ों का इनेकाद। एक गैलेक्सी फाउंडेशन और मेमन लॉयर फोरम ने यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पानी की ठंडे पानी की मशीनें उनको इंस्टॉल करना था, ठीक है, जिसको वाटर कूलर कहते हैं। और हेल्प वाले जो हैं, जो हेल्प इंटरनेशनल वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे यंग प्रिजनर्स के लिए थैलेसीमिया टेस्ट का इनेकाद किया था। थोड़ी सी बात करेंगे डीएसपी मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपने हमें पूरे जेल का दौरा कराया, बहुत शुक्रिया आपके तआवुन का। और आप जो मेमन लॉयर फोरम ने और गैलेक्सी फाउंडेशन ने यहाँ पर जो ठंडे पानी की मशीनों का इंस्टॉल किया है और जो इंतज़ाम किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मैं मेमन लॉयर फोरम वालों का और गैलेक्सी वालों का और जो कैंप आपने हेल्थ वालों ने लगाया आपके, इन तमाम फाउंडेशंस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दी। क्योंकि ये वो लोग हैं कैद में मौजूद कि जिनको बाज़ दफ़ा माशरा भी ठुकरा देता, तो इसमें अंडर ट्रायल भी हैं और कन्वेक्टेड प्रिजनर्स भी। और पानी का जो सवाब है, पानी की मशीनें लगाने का, ठंडे पानी का, गर्मी जिस हिसाब से है, तो ये लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम सवाब है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बन रही है। और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और ये कहूँगा कि मज़ीद इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करें, जिस तरह थैलेसीमिया का तो हमें ज़रूरत है, स्किन के हवाले से भी। अब गर्मी है क्योंकि हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा हैं प्रिजनर्स, 2500 की कैपेसिटी में तकरीबन 7000 प्रिजनर्स हैं। तो वो जब गर्मी में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो जिस्म से एक दूसरे के हीट भी निकलती है, स्मेल भी निकलती है, और पसीने के साथ साथ गर्मी में ख़ासतौर पर हेल्थ के इशूज़ ज़्यादा हैं। तो मैं आप लोगों से साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट कैंप जो है हमारे पास स्किन का करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें अच्छा हो, जिस तरह से प्रिजनर्स के लिए एक सहूलत है। जिस तरह ये काम कर रहे हैं, मज़ीद और अच्छे काम करते जाएँ। हम जेल इंतज़ामिया जो भी प्रॉपर इनके साथ तावन हो सके, हम बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी मोहम्मद यूसुफ साहब जेल इंतज़ामिया में। आपने देखा कि किस तरह सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया कैदियों के लिए सहूलियात प्रोवाइड करने में जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ जो है वो शाना बशाना काम कर रही है। और काबिल तारीफ़ है ये काम गैलेक्सी फाउंडेशन का और मेमन लॉयर फोरम का, जो कि यहाँ पे रहने वाले कैदी, चाहे वो अंडर ट्रायल हैं या कन्विक्टेड हैं, बोतार उन सब लोगों के लिए जो ज़िंदगी की बेसिक सहूलियत है जिसका नाम है पानी, उसकी मशीनों को यहाँ पे इंस्टॉल करना और यहाँ रहने वाले कैदियों को जो कि पहले ही तकलीफ़ में, उनकी तकलीफ़ को थोड़ा कम करना, ये यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है गैलेक्सी फाउंडेशन का। और इसमें काबिल तहसीन जो काम हो रहा है वो जेल इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है कि जेल इंतज़ामिया ने हमारी रिक्वेस्ट पर हमें ये परमिशन दी कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकें और वो यहाँ पर रहने वाले कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर कर सकें। थैंक यू।